हमारा ये गिला है पहले नंबर का कि इसके चचा रिश्तेदार, चचा नहीं, मेरे बाप का रिश्तेदार, बाप का करीबी, वो ऐसे जालिमों का जहां शैतान भी आंखें बंद कर लेता है, शर्मा जाते हैं, उसको शर्म नहीं आई। ये तो आप कह सकते हैं फर्ज तो मैंने बोला है आपको भाई, बात करने दे जनाब, मैंने बोला है आपको भाई, साथ साथ जवाब ही सुन लो ना, मैंने ये बोला है कि अगर उसका शैतान भी शर्मा गया, शैतान ने भी इस वाक्य से आंखें बंद कर ली, वहाँ ये बंदा, मैं आप पर नहीं आपके चचा पर मामू पर इल्जाम दे रहा हूँ कि वो बंदा इनकी मुर्दमों की पुष्पनाई करने खड़ा हो गया, कितनी अफसोस की बात है, क्या शैतान ने भी आंखें बंद कर ली, क्या यह हमारा दर्द गलत है? बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ हूँ इसमें, क्या यह हमारा दर्द गलत मेरे है भाई, मैं आपके साथ हूँ। उस बंदे को फिर भी इस मिला इलाके में आने दे, क्या आप उस बंदे की मजम्मत नहीं करेंगे? मैंने कर दिया भाई, अपनी बात में कि मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ, वो मेरे रिश्तेदार आज से नहीं है। मेरी बात सुनो भाई, मैं जवाब दे दूंगा, बारी बारी जवाब भी दूंगा, आप जवाब भी दूंगा ना भाई, जवाब आखिर में दे, जब मेरी बात मुकम्मल हो जाए, बात लंबी होगी, अच्छा थोड़ा सा, कोई सियासत नहीं है, मेरी बात सुनो, हमारे शहर सियासत से खुदा के लिए साफ है, मेरी बात सुनो जनाब, जान आपने बात की है कि मेरा वो रिश्तेदार है, बिल्कुल हर एक रिश्तेदार भी होते हैं, लेकिन मैं अपने किसी रिश्तेदार की किसी भी हरकत का जिसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई जिम्मेवार नहीं है, मैं जिम्मेवार नहीं, मैं मजम्मत चाहता हूं, मैं कह चुका हूं ये बात कि अगर उसने हरकत की है, अगर नहीं की है जो सजा बनती है उसकी, जो सजा बनती है सजा तो कानून देगा, हम आपको भाई बंदी से आप चाहते हैं कि आप उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, मैं ऐसे बंदे पे लानत भेजता हूँ, हमारा भाई है, आप हमारे भाई हैं, ये हमारा भाई है, इसने उस बात से ऐलान माफी मांग ली है, हम इसकी इस बात को कबूल करते हैं, कोई इल्जाम भी आप पर नहीं है, आप हमारे भाई हैं और भाई है, आप हम सियासत से पाक हैं, मौला सियासत से पाक हैं, माफी की बात नहीं हो रही इधर, जो है ना आपने उसको मजम्मत जो कर दी, हमारा आज से भाई है, ये खत्म हो गई है, अब दूसरी बात, अब एक और बात, ये हमारे जिस तरह मैंने कहा ये इसी मिट्टी का है, आज ये सिद्धार्थ इस्माइल खान का नुमाइंदे, इसके वाले साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं, ये गंडापुर शरीफ फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और शरीफ इलाके में आए हुए हैं, मीडिया की जिस तरह मैंने मांग चुके हैं, वो इससे हमारा एक किला और है, असम्बली में बर्मा रंगून में जो वाकयात होते हैं करारदादे पेश हो जाती हैं जनाब, यहाँ रंगून से भी ज्यादा मनहूस वाकया हो चुका है, हमारा साहब हमारे आप अगर यहाँ के मिंबर नहीं है, इसी मिट्टी के सपूत तो है, इसी मिट्टी का हक तो अदा किया होता है, असेंबली में करारदाद क्यों नहीं पेश की, हमें दर्द है, अफसोस है, रोना आता है, अगर वो जालिम है आप तो जालिम नहीं है, असेंबली में अल बोल करे किस तरह इमरान खान के सिपाही है, इमरान खान से कहे कि क्या हुआ है, क्यों बयान नहीं दिया, अफसोस होता है जनाब, तो असेंबली का जब भी इलाज आएगा आता है जनाब, कोई सियासत नहीं है खुदा के लिए सियासत से मां सिवाय, भाई मेरी बात सुन ले, अपना जवाब सुन लो साथ भाई, साथ सुनते तो रहो ना, बात समझ आएगी ना, फिर असेंबली का जब भी इलाज होगा मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसके अंदर हम आवाज उठाएंगे, इसके अंदर भी उठाएंगे, असेंबली में भी उठाएंगे, ये असेंबली आपकी असेंबली है, इस असेंबली के नुमाइंदे आपके भेजे हुए हैं, ये असेंबली आवाम की असेंबली है, असेंबली में आवाज उठाएं, इंशाल्लाह इस खमीर के बैठे हैं आप, हम आपको अपना भाई और बिरादर समझते हैं, इसलिए हम दर्द से भर गए हैं, किसी के सामने भी हमने इतनी चीख पुकार से बात नहीं की, ये तवक्कुआत भी है, जज्बात भी है, आपने जो बात की है आपके अंदर जो दर्द है वो आपका दर्द, हम दर्द की वजह से चीख रहे हैं, कोई सियासत नहीं है और न सियासत होगी यहाँ पर, किसी किस्म की भी न कोई कर सकता है, मैं हम आपको यकीन दिलाता हूँ, आप इस बात से न घबराएं कि हम सियासत करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे, लेकिन जो दर्द है वो खुले अंदाज में, खुले ढले अंदाज में, आपके दर्द की हम कदर करते हैं, और जिसके अंदर इतने बड़े वाकये का दर्द नहीं है वो इंसान भी नहीं है मेरे ख्याल, शैतान भी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन इस साल तुम्हारे मामू है, मैंने आपको सारी बात कर दी है, मैंने आपको सारी बात कर दी है कि ये फैमिली अब मैंने ओन कर ली है, ओन का मतलब उर्दू में ओन का मतलब होता है कि ये अब मेरा खानदान हो गया है, मैंने बच्ची की बीमारी भी ले ली है, उसकी शादी की बीमारी भी ले ली है, उसके होने वाले शोहर जो भी हो
उसकी सरकारी नौकरी की जिम्मेवारी भी ले ली है, इसके अलावा इस केस के लिए जो इनको इमदाद चाहिए उसकी जिम्मेवारी भी ले ली है, जो वकील चाहिए उसकी फीस चाहिए इनके पास नहीं है उसकी भी ले ली है, इनको ये बातें जो भी चीज चाहिए रिहायश चाहिए जो रिहायश चाहिए इनको डी खान में आने जाने में तकलीफ है, रोड खराब है, उसकी जिम्मेवारी मैंने ले ली है। मैं आपको जिम्मेदारी पूरी करके जहाँ आपका मर्तबा मैं आपके मर्तबे से बात करना चाहता हूँ, जहाँ आपका मर्तबा मैं आपके मर्तबे की बात करना चाहता हूँ, ये सब काम इसके हो चुके हैं सब काम। आपका मर्तबा आप इमरान खान से बात करें, कौमी असेंबली में आवाज करें, हम ये तवक्को करते हैं आपका काम है सुबह असेंबली में आवाज उठे, आपका ये काम है। इसकी शादी हो चुकी है उसके बहन की, हम कर सकते हैं, ये हो जाएगी, ये आपके मर्तबे से आपका मर्तबा है असेंबली में बात करना, आपका मर्तबा है हमारी आवाज पहुंचाना, आपका मर्तबा है हमारी नुमाइंदगी करना, इससे न घबराए, झूठे इल्जाम से हम झूठ और सच को पहचान सकते हैं, आपको सियासत बिल्कुल नहीं है और न कोई कर सकता है और न होगी, लेकिन जो अफसोस है वो है जो बात थी हमने रखी, आपने हमारा यही सब लोगों ने जिनका गिला था हमने मिल बैठ कर कि जब भी खान साहब इस चीज से ला तालुक ही तो करेंगे, जब इसकी मजम्मत भी कर देंगे, है सिर्फ इल्जाम हमारा भाई, आपने इल्जाम की उसकी तर्दीद और उसकी मजम्मत कर दी, हमारा सब गिला खत्म। और ये बात मैं आपसे कहता हूँ कि ये छोटी बात है, आपके लिए जो बात आपके मर्तबे के हिसाब से है आप असेंबली में करारदाद करें, कोशिश करें कि क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, ये सब तो दुनिया हिल गई इस वाक्य से। आप तो इस हमारे भाई हैं, इसी मिट्टी के, आज जर इसमेल खान के नुमाइंदे हैं, कल यहाँ भी हो सकते हैं, कल वहाँ भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, पुलिस में सारे हमारे भाई हैं, एक बात को आप समझें, ये पुलिस कोई बाहर की पुलिस नहीं है, या आपका कोई रिश्तेदार है या मेरा रिश्तेदार है, आपका भाई है या किसी का वालिद है या किसी का बेटा है, जहाँ तक पुलिस की बात है हमारी पूरी कोशिश है कि इस सूबे की पुलिस को हमने खुद मुख्तार करके बहुत बेहतर कर लिया है। इस वाकये में जो आपने एक गिला किया मुझे कल ना परसों पता चला, गफलत हुई है पुलिस से, यहाँ पर गफलत हुई है, गफलत हुई है, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, आप उस गफलत को दोबारा कवर कर चुके हैं भाई, आप बात करते हो मैं सुनता हूँ फिर मेरी आप सुन रहे लोगों को समझ आए ना थोड़ी। अब उसमें पुलिस में भी देखे सारे पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, अब उसमें अगर कोई कमी रही है कोई कमी बेशी हुई है हम उसका अजाला कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी कल डी एजी साहब से बात हुई है और उसने मुझे अपने मुंह से बोला है कि मैं इस केस की एक एक लाइन एक एक लफ्ज खुद पढ़ रहा हूँ ताकि कोई कमी ना रह जाए। आप जिसने गफलत की आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई, आज वो बंदा क्लोज हो गया यहाँ से, जिसने बदतमीजी की आपकी रिपोर्ट थी कि वो बदतमीजी कर रहा है वो आज चला गया है वहां से, इसके बाद कोई और अगर आएगा वो भी अगर आपको लगेगा डिपार्टमेंट को लगेगा कि वो उस तरीके से चीज को नहीं कर रहा तो इंशाल्लाह उसको भी सजा होगी। और इंशाल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अदलिया से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि ऐसे केस के अंदर सजा सख्त होनी चाहिए ताकि आज के बाद इस मुल्क में कोई भी ऐसा करने का ना सोचे, किसी और की बच्ची के साथ ऐसा ना हो, हमारी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। अगर हम ये समझते हैं कि कल हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है तो इसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, और अगर हम ये समझते हैं कि ठीक है उसका हो रहा है और उसका हो रहा है, तो इस मुल्क में यही हुआ है कि किसी पे हो गया चलो बस हो गया, कोई और नहीं करता, हम सब एक है, हम सब पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी होकर ये सोचेंगे कि पाकिस्तान में रहने वाली हर बच्ची हर बच्चा हर माँ हर बाप हमारा बाप है, हमारी माँ है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, तब इस मुल्क में इंसाफ आएगा, तब इस मुल्क में तरक्की आएगी और तब हम अल्लाह ताला को उस जान मुंह दिखा सकेंगे कि या अल्लाह हमने आपके लोगों के लिए कुछ किया, या अल्लाह आपका दिया हुआ रास्ता आपका कुरान का बताया हुआ रास्ता हमने इख्तियार किया। शुक्रिया जी।